मैं एक अल्लाह को डरने वाला इंसान हूँ, तो मैं अल्लाह के नाम से हर चीज़ शुरू करता हूँ। तो मैं अपने मेहमान लोगों को खाना खिलाने से पहला, मैं खुद खाना खाने के पहला, मैं मेरे मदरसे के बच्चे हैं उनको खाना पहला खिलाता हूँ और उनसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ मैं। उसके बाद ही मैं तमाम हमारे मेहमान फिर खाने के लिए और जो भी प्रोग्राम उसके बाद ही शुरू हो जाता। जन्मदिन मैं जन्मदिन नहीं मनाता, इस बहाने में गेट टुगेदर करता हूँ। जितने मेरे खास दोस्त लोग हैं वो मुझे मिलने आते, इस बहाने में उनको मिलता, वो मुझे मिलते हैं और एक गेट टुगेदर होता है। ये बहाना है कि मेरा 7 दिसंबर मेरी पैदाइश का दिन है, तो वजह से हम एक दूसरे से मिलते हैं, वो भी वक्त निकाल के आते हैं, मैं भी वक्त निकाल के इनको मिलता है। और जब इसकी शुरुआत करता हूँ मैं, तो मैं एक अल्लाह को डरने वाला इंसान हूँ, तो मैं अल्लाह के नाम से हर चीज़ शुरू करता हूँ। तो मैं अपने मेहमान लोगों को खाना खिलाने से पहला, मैं खुद खाना खाने के पहला, मैं मेरे मदरसे के बच्चे हैं उनको खाना पहला खिलाता हूँ और उनसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ मैं। उसके बाद ही मैं तमाम हमारे मेहमान फिर खाने के लिए और जो भी प्रोग्राम उसके बाद ही शुरू हो जाता। हर साल करते हैं आप ऐसा? हर साल करता हूँ मैं ऐसा, इसके बगैर मेरा प्रोग्राम शुरू ही नहीं होता है। खाना बहुत अच्छा है माशाल्लाह, सब अच्छे बोलते हैं। चलो अच्छी बात है, चलो चलो बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हर साल आते हो आप भी? हाँ। हर साल आते हो? बहुत अच्छा है। एजाज खतीब अंकल की खातिरदारी पसंद आई, चलो अच्छी बात है। हर साल आते हो इधर? जी बहुत अच्छा बना है खाना माशाल्लाह, हर साल आते हैं। एजाज खतीब जो है वो आपको हर साल बुलाते हैं और आप हर साल आते हो, आपको ऐसे ही आपकी खातिरदारी की जाती है हर साल। जी बाबू बहुत अच्छा खाना लगता है, बहुत अच्छा खाना था। एजाज खतीब अंकल की खातिरदारी पसंद आई मतलब, और आपको बहुत अच्छा हमेशा। आप भी आते हो हर साल? अच्छा आप सब आते हो हर साल? जी जी। कौन से मदरसे से हो आप? मदरसा नूरिया ज़ुरुल उलूम। अच्छा अच्छा जी।